जी हेलो एंड वेलकम टू तो द सीरीज इसमें बेसिकली एक इंपॉर्टेंट यू क्यू था लास्ट वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने उसको अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया बॉडी ब्लड सप्लाई ऑफ द जो है वो कॉर्पसोसम की क्या है बेसिकली आपको पार्ट्स का तो पता ही है कि एक इसका होस्टम होता है जीनो होता है बॉडी होती है एंड देन सप्लिनियम होता है अब पार्ट्स के लिहाज से इसकी ब्लड सप्लाई थोड़ी समझ लेते हैं कैसे अगर मैं आपको एक सिंपलर सर्कस ऑफ विलस दिखाऊं तो इस तरह से दो वर्टिपुरल आर्टरीज होती हैं बेजल आर्टरी बनाते हैं बेजल आर्टरी जाके वो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी बना देते हैं पोस्टीरियर के साथ हमारे पास पड़ी होती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और ये कनेक्ट हो जाती है थ्रू इंटीरियर सेरिबुलर आर्टरी विद एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्ट्री ठीक है यहाँ पे इंटरनल केरोटेड और मिडल सेरिब्रल होती है ये वाली तो ये एक मैंने अभी बेसिक दे दिया ये थी वर्टिप्रल आर्टरी ये है बेजिलर आर्टरी ये पोस्टीरियर सैरिबुलर आर्टरी ठीक है ये वाली पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग मिडल सेरिब्रल और यहाँ पे दो रोंगी जैसे कहेंगे इंटीरियर सेरिबुल अब जो बेसिक पार्ट हैं इन वालों को फर्स्ट थ्री पार्ट को वो देती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी अब एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी कौन सी थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पोर्शन है ये है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का इधर भी ऐसे ही ये फर्स्ट थ्री पार्ट्स को सप्लाई करती है ठीक है अब दूसरी पार्ट है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी वो है सप्लिनियम वाला पार्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी कौन सी थी मैं आपको वो दिखा देता हूँ अगर मैं एक सिंपल पायरा ड्रा करूँ ये वाला तो यहाँ पर इसको थोड़ी सी मैं लाइन्स खींच देता हूँ ठीक है ये वाली तो यह पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्ट्री है। ये वाली यह सारी की सारी जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्ट्री का तो ये सारे का सारा एरिया सर्कस ऑफ विलेस का ये करता है सिप्लिनियम को सिप्लिनियम क्योंकि एक थिक एंड पोर्शन है उसको ज़्यादा ब्लड रिक्वायर्ड है फॉर सर्वाइवल कह लें या एक उसका जो फंक्शन है उस हिसाब से कह लें तो बेसिकली इसलिए उस जो सप्लिनियम है इसलिए भी उसको ज़्यादा ज़्यादा सारा मतलब एक ही आर्टरी उसको सप्लाई करती है ये देखे ना ये एक आर्टरी तीन को कर रही है मतलब छोटी थोड़ी चाहिए तीनों को इसको ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसके ऊपर और नीचे पड़ा हुआ होता है क्रॉयड प्लेक्सेस अब जो क्रॉइड प्लेक्सेस होता है वो बेसिकली बनाता है सी अब जो सी होता है वो बेसिकली वेंटिकल्स में ट्रैवल करता है वो कहाँ से बनता है क्रॉइड प्लेक्सेस से बनता है और क्रोय प्लेक्सेस इसके ऊपर पड़ा हुआ होता है ठीक है तो उसके लिए भी चाहिए होता है ब्लड ताकि फिल्टर या जिस तरह से थ्रू पोर्स वहाँ से नीचे आ जाए तो पोस्टीरियर सेबर आर्टरी ने सप्लिनियम को किया और रोस्टम चीन बॉडी को एंटीरियर सर्बुलर आर्टरी ने किया स्टेट यूनिशाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज